शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बुखार नहीं उतरा और ना उतरेगा जब तक के सीमा वापस घर नहीं आती। आखिर तुम उसे लाते क्यों नहीं? अब तो तुम जान चुके हो तुम्हारा शक बिल्कुल बेबुनियाद था, वो निर्दोष है। देखो कर्नल, यूं घर तबाह करने से कोई फायदा नहीं। जब खता तुम्हारी थी तो तुम जाके उससे माफी मांग लो और उसे घर ले आओ, अपने लिए नहीं तो अपने बेटे मोहन की खातिर। कर्नल, तुम्हें पता नहीं बच्चे के लिए मां कितनी जरूरी है। आज जिस मुश्किल से मैं इसे पाल रहा हूं वो मैं ही जानता हूं। जब से कमला स्वर्गवास हुई है ये हर घड़ी मेरे साथ रहती है, बल्कि अक्सर मैं सोचता हूं अगर किसी दिन मैं ना रहा तो इसे दुनिया में देखने वाला कौन है। हेलो, ओहो, हाउ आर यू? अच्छा है ना आप? हाँ 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 ठीक जी हाँ हाँ जी तो अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा तो फिर अरे कह दिया था मैंने। हाँ 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 ठीक है अच्छा तो हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ ओके दस मैंने
डॉक्टर डॉक्टर कर मेरी बच्ची मेरी बोना डॉक्टर माफ कीजिएगा इस बोझ को कहां लिए जा रही हैं खेल रही है इसका छोटा छोटा मुंह जमुना के नाम तुम जहां कहीं भी हो मेरे बेटे को लेकर फौरन वापस चली आओ मैं अपनी भूल की तुमसे माफी मांगता हूं और वादा करता हूं आगे तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करूंगा तुम्हारा पति कर्नल महेंद्र नाथ ये तो आप जानते हैं राय साहब मोना को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है और वही मेरी सारी जायदाद और दौलत की मालिक है मैंने आपके बेटे क्या नाम है उसका कुंवर बिहारी लाल वैसे हम लोग प्यार से उसे डीफू कहते हैं आई सी हाँ अगर मैंने डीफू के साथ शादी तय की है वो सिर्फ तीन बातों की वजह से एक तो आपका खानदान दूसरी ये कि लड़का पढ़ा लिखा है और तीसरी बात जो मैं उसमें चाहता हूँ वो सेहत और तंदुरुस्ती कर्नल साहब कल तो वो लंदन से आ ही रहा है आप खुद देख लीजिएगा That's right. हेलो यस ओह अच्छा अच्छा मैं तो भूल ही गया था राय साहब आपको मालूम है आज विद्या भवन का सालाना जलसा है और मोना ने शम्मी प्रसाद ये जो के क्लासिक डांस के उस्ताद हैं उनकी तैयार की हुई लड़की कामनी देवी को नाच में चैलेंज किया है उस्ताद शम्मी प्रसाद की लड़की कामनी देवी क्यों जी हाँ बड़ा मुकाबला है और अगर कहीं मोना ने कामनी देवी को नाच में हरा दिया तो बस समझ लीजिए सारी दिल्ली में खलबली मच जाएगी अजी कर्नल साहब जब उस्ताद शम्मी प्रसाद कोई चीज नहीं तो कामनी देवी किस खेत की मूवी है बजा फरमाए Thank you.
आज अगर डॉक्टर होता तो अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी से फूला न समाता। चाचा जी, आज आप बहुत खुश हैं। श्योर। फिर तो आपको किसी और की भी याद आनी चाहिए, आपकी पत्नी और आपके बेटे मोहन की। Oh, I'm sorry. मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इस जिक्र से आप हमेशा उदास हो जाते हैं।
देखो बेटी, कल राय साहब का बेटा दीपू लंदन से आ रहा है और उसे रिसीव करने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना है। मेरा जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल, वो तुम्हारा होने वाला पति है। जाओ जाकर आराम करो और कल सुबह तैयार हो जाना जल्दी से। हाँ, गुड नाइट। देर लगाती अभी तक नहीं। बहुत दिन नमस्ते। मम्मी, अरे आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर माई फैट मदर। हट मुए। ये आ गया मेरा चांस कर्नल साहब। दीपू, ये है कर्नल साहब और ये है उनकी बेटी मोना, तुम्हारी होने वाली दुल्हन। दुल्हन? यू मीन ब्राइड? हेलो ब्राइड, वेरी प्लीज टू मीट यू। थैंक यू। I like it. हमारा दीपू भी बड़ा मजा किया है। ये प्रेस फोटोग्राफर कहीं भी मेरा पीछा नहीं, कोई जगह हो, कोई फंक्शन हो, हर जगह मौजूद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कर दो? वाकई ये फोटोग्राफर भी अजब आदमी है, कहीं पीछा नहीं छोड़ता। मुझे डांस की प्रैक्टिस में जाना था, बहुत देर हो गई है। घबराओ ना, मैं खुद जाकर। कर्नल साहब, आज शाम को दीपू के आने की खुशी में हमारे घर में पार्टी है, आज जरूर तशरीफ ला रहे हैं। तुम भी आना मोना, नहीं तो हमारे दीपू का दिल उदास हो जाएगा। आओगी ना? चलो चलो, कुछ नहीं, चलिए चलिए कर्नल साहब, चलिए आइए, आओ मोना। मोना, आज की रिहर्सल देख लाए। इस बार यूथ फेस्टिवल में कश्मीर आई हुई हर पार्टी को हमारे सामने हार माननी पड़ेगी। अरे हाँ, 3-4 दिन तो रह गए हैं बाकी, यहाँ से चलना कब है? अरे हाँ मोना, गाड़ी का क्या हुआ? मेरे चाचा कर्नल साहब को तुम जानती हो, यहाँ से बाई रोड कश्मीर जाने का आइडिया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया है, उन्होंने कश्मीर ट्रांसपोर्ट से वहीं की गाड़ी मंगवाई। कब तक आएगी? कल या परसों। लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रही। क्यों? मैं खुदकुशी कर रही हूँ। क्यों? क्या तेरे लंदन वाले ने कोई मेम कर ली है? इस लायक होते तो वापस क्यों आते? आ गए, वंडरफुल। कैसा है बच्चा? जैसा नाम। क्या मतलब? दीपू। थोड़ा भी नहीं चलेगा। I hate him. एकदम idiot. देखो बेटा, साफ बोल दो कर्नल साहब से कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। कर्नल साहब, उन्होंने कई साल से बंदूक नहीं चलाई, उनके हाथों में वैसे ही खुजली हो रही। Too bad. समझ में नहीं आता इस मुसीबत को कैसे टालूं। जरा मिलाओ तो हमें इन मिस्टर दीपू से। आगे चलो, पार्टी है वहां। What time? 8 PM शाम। Girls! Oh, I love you with all my heart. La 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 la. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la, oh, 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 oh. Small mistake. सब कुछ बेकार गया, बिल्कुल बेकार। Really? सोच
क्या खा लंदन जाकर तू इंसान बनेगा, ऐसे कुछ समझ आएगी। अच्छा मगर सब बेकार। अच्छा नालायक। क्या करते हो मदर? जरा सोच तो कर्नल साहब और मोना क्या सोचते होंगे तेरे बारे में। क्या सोचते होंगे? यही तो सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है? कि वो क्या सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे पागल कहीं का? क्या करते हो मतलब? तुम नीचे चलो मैं अभी आती हूँ। कहा कहीं का? देख मोना आ चुकी, तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा और सुन ले कोई भी बेवकूफी की हरकत ना होने पाए। मोना सोने की चिड़िया है, अगर हाथ से निकल गई तो मेरी खैर नहीं। मुझ कोट व्हाट ए फैट मदर, व्हाट ए फनी फादर, आई विश आई वाज अनाथ और प्रेरणा। देखो कोई ऐसी बात ना हो जो चाचा जी मुझ पर शक करें। वो मिलिट्री कर्नल रह चुके हैं, फौरन मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। तुम फिक्र ना करो बच्ची, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आगे मोना बेटी ये रहा तुम्हारा होने वाला दूल्हा। लो बेटा बातें करो। अरे अरे चले कहाँ, बैठिए ना हमको लंदन की कुछ बातें बताइए। बोले ना लंदन के बारे में। जी लंदन। बोलिए बोलिए लंदन। बताइए ना लंदन के बारे में। जी लंदन लंदन लंदन। जी माफ करना मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, माफ करना। लेकिन ये हुआ कैसे? पूछो जाके उस कर्नल की बच्ची से, उसने जबरदस्ती मुझे खींच कर मालूम है। तेरी आंखें नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगा। मुझे एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, मरती है मेरे ऊपर। क्या नमूना पेश किया है तुमने? गलत हो नमूना मैंने पेश किया है या तूने? कान खोल कर सुन ले, अगर मोना हाथ से निकल गई तो ये चलो छोड़ो चले। What a fat mother! What a funny father! I'm fed up! I want to die! I want to die! मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की शरारत थी। क्योंकि वो सीधा साधा है इसलिए तुम्हें उसकी कदर नहीं। चाचा जी वो देखो मोना, मैं राय साहब को जबान दे चुका हूँ कि उनका बेटा डीफू तुम्हारे होने वाला पति है और उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। मोना मोना देखनी अपनी बेटी की हरकतें। अरे भाई दिल्ली के सबसे मशहूर खानदान और लखपति के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय किया था, वो उसे मंजूर नहीं। अब कोई आसमान से आएगा उसके लिए? है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान,
होंठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होंठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें। देखो ले ले के तीर कमाल। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होंठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होंठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक माह जबी कभी कभी वो एक माह जबी डोलती है दिल के पास कहीं। हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें। कभी यहाँ नहीं तो वहाँ। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होंठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ। हेलो मॉम। आ गया बेटा। यस मॉम, यस। 300 रुपया मेरी पहली तनख्वाह, और आज से ये मशीन नहीं चलेगी। अच्छा। अब मैं कमाने लगा हूँ। डीफू के लंदन से आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर राय साहब शंकर दयाल की पत्नी सरला देवी, राय साहब शंकर दयाल, कर्नल महेंद्र नाथ, मिस मोहना और उनके होने वाले पति डीफू। माँ, तुम्हें मेरे पिता से नफरत है, फिर भी जहां कहीं उनकी तस्वीर छपती है तुम वो अखबार खरीद कर जरूर लाती है। क्यों, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, आदमी ही बहुत शानदार है।
और चेहरे से भी दिल का बुरा नहीं लगता, बल्कि जब कभी उनकी तस्वीर देखता हूँ तो जी चाहता है कि फौरन जाकर उनसे मिलूं। यही ना, फिर जाते क्यों नहीं उनके पास, सब कुछ मिलेगा वहाँ, एक मिनट में लखपति बन जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? माँ शायद गलती मेरी ही है, आखिर में जीत उन्हीं की होनी है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ कि उनके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर किस्मत से सामना हो भी गया तो मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। आई प्रॉमिस। कमल आ गया, तुम खाना निकालो, मैं अभी आता हूँ। हेलो फ्रेंड। हाय पत्रो। दोस्त वो खबर लाया हूँ कि सुनो तो तबीयत अंग्रेज हो जाए मिलावा, मगर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले जरा दूध दही का प्रबंध हो जाए। आपको अब भी दूध दही की जरूरत है? बताओ भाई क्या बात है? बात ये है दोस्त, सोचा कि तुम्हें दुनिया की कुछ सैर करा दी जाए मिलावा। वो कैसे? दिल्ली से एक पार्टी यहाँ बाई कार आना चाहती है, 2500 पर सौदा पटाए मिलावा। मैं आज ही ये गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहा हूँ, साथ चलो, ऐश रहेंगे मिलावा। मिलाया, आइडिया बुरा नहीं लेकिन एक शर्त। वो क्या? हम यहाँ से दिल्ली जरूर जाएंगे, हाँ, लेकिन अगर तुमने एक बार भी कहा कि मिलावा तो यह तोड़ दूंगा। बस यही शर्त है? हाँ, मुझे मंजूर है मिलावा। ले भाई, फिर मिला लिया। बस मेरी बच्ची, बस इसी तरह मेहनत किए जाओ, फिर कश्मीर तो कश्मीर, सारे हिंदुस्तान में तुम्हारी कला की धूम रही है। ये नहीं, बच्चे बच्चे के मुंह पर तुम्हारा नाम। और फिर तुम लंदन जाओगी, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, और सारी दुनिया कहेगी द मोस्ट ब्यूटीफुल बैलेरिना ऑफ इंडिया। और फिर तुम्हारी शादी दीपू के साथ हो जाएगी। दीपू? और कुछ साल बाद तुम्हारे यहाँ बहुत से छोटे 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 दीपू घूमते होंगे। कुछ शर्म आती है, मदद तो होती नहीं, मजाक उड़ाती हो। एक काम करो, तुम दीपू को बुलाकर साफ बोल दो कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार नहीं, इसलिए कि तुम एकदम दीपू। और वो फौरन मान जाएगा। ओफो, ये बच्ची तो बिल्कुल ही अनाड़ी है। हेलो आंटी जी, तेरे दीपू की माता का फोन। हेलो, नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि दीपू बेटा आज तुम्हारे साथ पिकनिक को जाना चाहता है, और हाँ वो अभी तुम्हें लेने आ रहा है। वो बात ये है कि चाचा जी से पूछे बिना। उनकी तुम फिक्र मत करो, अरे हम तुम्हारे घर आए हुए हैं और कर्नल साहब से इजाजत भी ले चुके हैं। हाँ तो दीपू को भेज दो तुम्हारे पास। जी यहाँ नहीं, ऐसे कीजिए उन्हें कॉफी हाउस भेज दीजिए, मैं वहीं मिल जाऊंगी। ओके दीपू, दीपू बेटा तुम यहाँ से सीधे कॉफी हाउस चले जाना, मोना बेटी तुम्हें वहीं मिलेंगी। अच्छा मम्मी। बाय बाय दादी, चीयर्स। बड़ा भोला है हमारा दीपू। वो कश्मीर वाली गाड़ी आ गई। अच्छा वाले, खाने पीने का सामान लाया जी? अरे तुमसे कहा था ना भजिए लाने को, सैंडविचेस लाने को, लाया कि नहीं? भूल गया सर। भूल क्या, पैसे लाओ, मुझे खुद जाना पड़ेगा बाजार, मुझे देर हो गई है, बेचारी बूढ़ा मेरा इंतजार कर रही होगी।
सलाम जनाब। इस गाड़ी के ड्राइवर तुम हो जनाब? क्या नाम है तुम्हारा? कमाला जनाब। तो देखो कमाला, एडवांस पैसे तुम्हें कल मिलेंगे और बाकी पैसे कश्मीर पहुंचने पर। मेहरबानी जनाब, 10 साल हो गए हैं कश्मीर में टैक्सी चलाते हुए। अपना तो उसूल है कि गाड़ी में बैठने वाले को खुदा समझना और अपने आप को अव्वल दर्जे का गधा मिलाओ आज। हाँ तो जनाब, पार्टी कश्मीर कब जा रही है? कल सुबह। बहुत खूब, अपने को तो दिल्ली में एक दिन और घूमने के लिए मिल गया। मिला नमस्ते जनाब। ये कौन है? मेरा दोस्त मोहन, साथ ही आया मेरे। तुम क्या देख रहे हो? आपको। क्या ये भी तुम्हारे साथ जाएगा? कहिए तो, रुक जाऊं। ये किस टाइप का आदमी है? जी वो बड़ा शहर बड़े आदमी देख के कुछ बौखलास आ गया। बिल्कुल ही मिलाओ, मुझे तो तुम दोनों दीवाने लगते हो। खूब पहचाना आपने। चुप रह कर्नल साहब, इसकी बात का सुनो। मुझे ये तुम्हारा दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं। ये हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम जानते हो इस गाड़ी में कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? मेरी बेटी और दूसरे शरीफ घराने की लड़कियां। घराना तो मेरा भी आप ही जैसा है जनाब। अब तमीज। आप मेरे बाप जैसे हैं। जो मर्जी वो कह लीजिए। तुम? मैं जाता हूं। कमला, कॉफी हाउस में मैं तुम्हारी राह देखूंगा। नमस्ते जनाब। नमस्ते। सुन लो अच्छी तरह, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, इसे ट्रेन से वापस जाना होगा। जाना ही होगा। जाओ कल आना। सलाम जनाब। ट्रेन से वापसी का किराया यही है दोस्ती? हाँ यही है। पैसे के लिए दोस्त को छोड़ रहे हो? हाँ छोड़ रहा हूँ। कमीने, जलील, मोटे, खबरदार जो मुझे मोटे कहा तो। देखते हो लड़की सफेद लिबास में? हाँ। कर्नल साहब की गोद ली हुई बेटी मोना है, जिसकी शादी टीफू से है। कौन टीफू? ये देखो तस्वीर। अरे उस हसीना की शादी इस काट के उल्लू से? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। आ गया। अरे अरे अरे, ये भाई दिल्ली शहर में मुझे जरूर जूते पड़वाएगा। मिस्टर बू। ओ नमस्ते बहन जी। यस मिस्टर डिफू, आई बिलीव। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप मिस मोना से मिलना है? वेरी मच। जी आपसे नहीं मिल सकेंगे। व्हाट? मुझे कर्नल साहब ने भेजा आपको खबर करने के लिए। मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। लेकिन अभी तो मोना ने फोन पर मदर से कहा था कि वो यहाँ आ रही है। जी बस उसी के बाद उनको दौरा पड़ गया। दौरा? दौरा? जी बड़ी पुरानी बीमारी है, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन किस टाइप का दौरा? बहुत खतरनाक, इंसान को पहचानती नहीं, कपड़े फाड़ती है। पिछली बार कर्नल साहब के सर पर लोहे का चिमटा मार दिया था।
चिंता लोहेगा। तो इस वक्त मोना कहाँ है? जी उन्हें कर्नल साहब आगरा ले गए। आगरा? वहाँ एक दवाखाना है ना, दाखिल कराने? जी नहीं, वहाँ एक डॉक्टर है जो कि सर पर लोहे की टोपी पहना देता है, शाम तक ठीक हो जाती है। आई सी, तो तुम्हारे कर्नल साहब अपनी पागल बेटी मेरे सर मरने वाले थे। खूब बेवकूफ बनाया मेरे माता पिता को। अभी जाता हूँ आगरा और वहाँ के पागल खाने के डॉक्टर के सामने दोनों बाप बेटी को पकड़ कर उनका मुंह काला करता हूँ। सुनिए तो आप टीफू का इंतजार कर रही हैं? जी। मेरा भी यही ख्याल था। आप मुझे कैसे जानते हैं? एक बार आपकी तस्वीर टीफू ने मुझे लंदन में बताई थी। आप टीफू के दोस्त हैं? एग्जैक्टली। आज ही लंदन से आया हूँ। बैठिए ना। थैंक यू। मुझे अच्छी तरह याद है कि टीफू ने लंदन में आपका नाम नहीं बताया था। क्या था भला? मोना। मोना, अच्छा नाम। जी दरअसल पूरा नाम तो मोहना है, लेकिन लोग प्यार से मोना कहते हैं। आपका नाम? जी मेरा पूरा नाम मोहन है और लोग प्यार से भी मोहन कहते हैं। तो क्या डिपू ने आपसे भी यही का अपॉइंटमेंट किया है? जी नहीं, मैं तो आज ही यहाँ पहुँचा हूँ। अपने होटल से डिपू को फोन किया तो मालूम हुआ उसे फिर अटैक हो गई है। जी दौरा पड़ गया है। दौरा? आपको मालूम है इसी के इलाज के लिए तो वो लंदन गया था, लेकिन पैदाइशी बीमारी है, जीवन भर रहेगी। लेकिन कैसा दौरा? बहुत खतरनाक, इंसान को पहचानता नहीं, कपड़े फाड़ता है। पिछली बार लंदन के डॉक्टर के सर पर लोहे का चिमटा मार दिया था। चिमटा? लोहे का। लेकिन आपको किसने बताया उसे दौरा पड़ा है? फोन किया था तो किसी नौकर ने कहा उसे फिर दौरा पड़ गया है, और इतना खतरनाक किस्म का कि उसके माता पिता उसे एम्बुलेंस में बंद करके उसे फौरन आगरा ले गए। दाखिल कराने? जी नहीं, वहाँ एक डॉक्टर है जो कि सर पर लोहे की टोपी पहना देता है, शाम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे ट्रिप का सत्यानाश हो गया। क्या बात? यह है कि जिंदगी में पहली बार मैं दिल्ली आया हूँ, और वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए। कल सुबह के प्लेन से मुझे वापस लंदन जाना है। वापस लंदन? जी सोचा था डिफू मुझे दिल्ली की सैर कराएगा, लेकिन उस बेचारे को तो दौरा पड़ गया। अब अकेले बगैर साथी के कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ये तो बताइए लाल किला कितनी दूर है यहाँ से, और ये कुतुब मीनार किस तरफ है? सुना है बहुत ऊंचा। चलिए मैं आपको सब जगह दिखाती हूँ। प्रॉमिस। लेकिन एक शर्त पे, आप मेरे साथ आगरा के पागल खाने चलेंगे और डिफू की एक तस्वीर वो लोहे की टोपी पहने हुए खींच कर मुझे देंगे। ये सब मत पूछिए। ओके, डन। मिलना है डिफू से और जा रही है चीकू के साथ। यह दिल्ली का मशहूर लाल किला। आई सी। इसे शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, इतना अच्छा है? जी हाँ, अब वाकई बहुत अच्छा है लाल किला। कितना लाल है। चलिए लाओ, जल्दी आओ। यह दीवाने खास। आई सी। अब वो देखिए, वो जगह देख रहे हैं ना आप? जी हाँ जी हाँ। यहाँ कभी मशहूर तख्ते ताऊस हुआ करता था। अच्छा, तख्ते ताऊस, पीकॉक थ्रोन, वंडरफुल। चलिए ये कुतुब मीनार। वो कितना ऊंचा है और कितना सुंदर भी। जवाब नहीं चाहता है, बस देखते ही रहो।
बस देखे जा रहा हूँ। मालूम है आपको, ये 700 साल पुराना है और लगता है बिल्कुल ताजा ताजा। आप हिस्टोरिकल जगह देखने आए हैं या? जी कुछ हिस्टोरिकल सूटें। आगरा चलिए अभी बताती हूँ। क्या हुआ? देखते हैं। नो वाटर। मैं एक डिब्बा देती हूँ। क्या देख रहे हैं? कुछ ही कुछ नहीं। माय गुडनेस, मेरी सहेलियां आ गई। क्या हुआ? ये मुझे आपके साथ यहाँ अकेला जैसे नजर क्या समझी? क्या समझेंगी? ये इस सारे कॉलेज में मुझे बदनाम कर देंगी कि मेरा और आपका विशेषता है और मेरा और आपका कोई किस्सा नहीं। किस्सा नहीं है तो इसमें मेरी खता है। आप बस चला रही जैसे कि आप मेरे साथ आए हैं। What? न मैं आपको जानती हूँ और न आप मुझे। But you can't leave me like this alone. This is India. This is not London. But listen. Shut up. I don't know you. हेलो, तुम सब यहाँ कैसे आई? चले जाएं? नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम सब आई। दीपू मिला नहीं तो मैं इधर अकेली चाहिए चली आई। आप चले गई? हाँ। इसका क्या मतलब? अभी बताती हूँ। सूरत तो बुरी नहीं, सीरत भी बुरी नहीं, वो तो अभी देखना है। देखने वाले देख चुके हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? शहनाई बजाने वाले छुट्टी पे गए हुए हैं। जवाब नहीं, बच्चा जानदार। जानदार? अरे मीन साहब बहुत शानदार है, बावन इंच का सीना है। बाप रे, कुश्ती का शौक नहीं वरना दारा सिंह को समझ लेता। कब से चल रहा है मामला? कई सालों से। बिल्कुल झूठ, आज सुबह ही। देखिए कबूल है ना? अच्छा, तो यही आपको यहाँ लाई है? बहुत मजबूर करती है। इसलिए? ये आप उन्हीं से पूछ लीजिए। क्यों मेरी बच्ची, इज अ ब्लूमिंग लैड, तो इतना नाराज होने की क्या बात है? इसलिए कि तुम लोग गलत मतलब समझ रही हो। आप सही मतलब समझा लीजिए। मोना, प्लीज लीव मी अलोन। कभी शोला कभी नगमा, इस
शोला कभी नगमा इस आपके अंदाज का आए क्या कहना अज टिपला मोहतरमा कभी शोला कभी नगमा आपकी तो ये अदा है और किसी की खराबी अरे दे 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 मैंने तुम्हें देखा सिर्फ देखा मानिए कहना मैंने तुम्हें देखा सिर्फ देखा मानिए कहना अज किबला मोहतरमा कभी शोला कभी नगमा इस आपके अंदाज का आए क्या कहना अज किबला मोहतरमा कभी शोला कभी नगमा बेतकल्लुफ हो के तुमसे चंद बातें करते अरे दे 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 तुम जो हंसी थे दिल ने चाहा साथ ही रहना तुम जो हंसी थे दिल ने चाहा साथ ही रहना अज किबला मोहतरमा कभी शोला कभी नगमा इस आपके अंदाज का और क्या कहना अज किबला मोहतरमा कभी शोला कभी नगमा देखा चलो अच्छा हुआ अब हम आराम से बातें करेंगे हाँ बातें करेंगे अजी सुनिए कहाँ जा चलिए आप वापस घर आगरा नहीं जाना आपको नहीं मुझे नहीं पता था आप इस टाइप के इंसान हैं इस टाइप के आप बेकार फिक्र कर रहे हैं मुझे पता है कि मैं मजाक कर रहा था ओके आई एम सॉरी आपसे बात मुझे कोई बात नहीं करना दीपू की तस्वीर लेना ना होती तो कभी आपके साथ आगरे नहीं आती अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो आना हो तो आइए माफ कर दिया ना माफ कर दिया वाओ व्हाट अ गर्ल आप यहीं आराम से बैठिए मैं डिफू की तस्वीर वो लोहे की टोपी के साथ अभी खींच कर लिया था आपका नाम क्या है क्या नाम है इसका आपका नाम क्या है Oh, my God.
पगली। यू लोहे की टोपी वाला। यू लोहे की टोपी वाली। अरे हट 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 क्या हुआ? वो डिफो अभी मुझे मारने आया था। माय गॉड, सुना वो डॉक्टर को मार के कमरे से निकल भागा है। वो बहुत खतरनाक हो गया। बाप रे, चक्कर आ रहे हैं क्या? अरे चार बज चुके हैं और हमने कुछ खाया भी नहीं। चलिए कहीं चलते कुछ खा लें और फिर बैक टू दिल्ली। वो कौन सी जगह है? हिस्टोरिकल प्लेस है क्या? किसी प्रेमी की यादगार है? पता नहीं, आइए जरा चल के देखें। वंडरफुल, व्हाट अ रोमांटिक प्लेस, इज़न्ट इट? वो ये। ओह लवली लवली लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, लवली लवली लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इज़न्ट इट? ताक देना दिन, ताक देना दिन, ताक देना दिन। अगला क्या कहा आपने? ओ, कुछ नहीं कुछ नहीं। थैंक यू। डूब रहा है। हाँ सूरज डूब रहा है। सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। हम दिल्ली वापस जाएंगे, मोना अपने घर और मोहन अपने होटल में। कल सुबह जब मोना आंख खोलेगी तो मोहन जा चुका होगा, दूर, बहुत दूर। दिन महीने बनेंगे और महीने साल। फिर किसी ऐसी ही सुलगती शाम को मोना यहां खड़ी होगी, शायद अपने प्रेमी के साथ। ठीक है ना? चल दूंगा
दीवाना था, दीवाने के खातिर तुमको इल्जाम ना अपने सर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। मोना, तुम्हें कभी किसी ने एक बात बताई? क्या? कि तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो। एक बात और बताऊं? क्या? सच मानोगी? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। और तुम भूल जाओगी मुझे? सुबह मिले थे और यही शाम को बिछड़ना है। किस होटल में ठहरे हैं आप? क्या कीजिएगा जानके। अच्छा तो मोना, गुड बाय, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल चले जाएंगे? फिर कब आएंगे? कौन राह देखेगा मेरी? अगर कोई राह देखता तो आप आते। सारी दुनिया छोड़ जाता तो फिर कोई आपकी राह देखेगा? सारा जीवन। मिला बात क्या हुआ? आया है, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। स्टॉप,
नहीं तो कुर्सी मार दूंगा। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं तेरा भूता बना दूंगा, भूता। पगला, पगली। मैड, बकरी, बकरी। क्या हो गया? क्या है? नहीं, ये क्या बकवास? क्या बात क्या है? पागल है चाचा जी, एकदम पागल। एकदम मैड है मदर, ल्यूनेटिक। क्या बकता है? क्या करते हो? पूछो कर्नल साहब से, इनके सेक्रेटरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और मुझे भी तुम्हारे लंदन वाले दोस्त मोहन ने सब कुछ बता दिया है। तुम वहाँ दिमाग के इलाज के लिए गए थे और वहाँ के डॉक्टर के सर पे लोहे का चिमटा मार दिया था। मैंने या तुमने कर्नल साहब के सर पर लोहे का चिमटा मारा था? What? आज आप इन्हें आगरे ले गए थे। अरे वाह, खुद तो पागलखाने से भागा है और मुझे कहता है। खामोश, आखिर ये बकवास क्या है? क्या तुम दोनों दीवाने हो गए हो? मैं बताती हूँ। चलिए पहले मैं बताता हूँ। बोलो। आज सुबह मैं इनसे मिलने कॉफी हाउस गया था, वहाँ आपका भेजा हुआ सेक्रेटरी मुझे मिला। सेक्रेटरी? कौन सेक्रेटरी? मुझे क्या मालूम, पूछिए इसे। तो क्या सोचा है? एक मिनट में लाखों के मालिक बन बैठो और जाहिर है उन लाखों में आपका भी हिस्सा होगा। 50-50। मिस्टर कपूर, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इस खेल में आप सिर्फ तमाशाई हो। मेरे सामने हर घड़ी मौत खड़ी। मौत तो वैसे भी आपका साया बने खड़ी। मुझे भी फोटोग्राफी का शौक है। पुलिस आज तक लक्ष्मी का कातिल ढूंढ रही और आप चाहें तो हमेशा ढूंढती है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी मौत का ख्याल दिल में मत ला। इस फोटो का नेगेटिव बड़ी हिफाजत से रखा गया है, जो कि सिर्फ मेरे मरते ही पुलिस के हाथों में पहुंचा दी। क्या हुआ खन्ना, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। न जाने मोहन के साथ वो नौजवान कौन था। हाँ तो रमेश बाबू, आगे का प्रोग्राम तय करें, मंजूर हो तो बैठ जाइए। अरे हाँ ले ली, दीपू को उल्लू बना देना। आखिर तुझे हो क्या गया है? तू इतने दुखी क्यों है? नहीं तो सुन, अगर तुझे डीफू पसंद नहीं तो तेरी शादी उससे नहीं होगी। हंसो। आओ चल। जगह नहीं, पीछे बैठो। गाड़ी क्यों रोकी? बीड़ी जला रहा हूँ। बीड़ी का बच्चा, गाड़ी चलाओ। इडियट। कितना? 20,000। ये मेरे दोस्त सुबोध मुखर्जी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। कश्मीर पहुंचकर सारा इंतजाम करके मुझे खबर दे। तुम्हारी रिपोर्ट मिलते ही मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा। इंडियन एयरलाइंस अनाउंसेस डिपार्टमेंट ऑफ फ्लाइट नंबर 402 श्रीनगर। पैसेंजर्स प्लीज प्रोसीड टू द एयरक्राफ्ट।
बच्ची है, आप कॉल है मॉल से बच्चा, ये कोई तरीका है? जल्दी करो, मुर्गी लाओ, मुर्गी भूख लगी है। मुझे भी तो लेना तो खाने का। सुनिए, अभी पता चलता है, मिलावट। क्या मतलब? इसे गुप्त दाना कहते हैं और इसके 10 दानों में पूरे एक पैक का नशा होता है। अरे बापरे, जब भी मेरा सर चकरा रहा। अरे तो किसने कहा था तुझसे ये खाने के लिए? मोना ने। तो क्या वो भी ये खा रही है? खा चुकी, अब तो शायरी कर रही है शायरी। तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, बहला न सकेगी, बहला न सकेगी। मोना
अरे कहाँ चली? सुनो तो मोना, ये मोना, ओहो सुनती नहीं। ये किसकी तस्वीर है? देखोगी तो बस बेहोश हो जाओगी। अच्छा जरा देखें तो, तुम्हारी नजर लग जाएगी। Thank you.
गाड़ी क्यों रोकी? बीड़ी चला रहा हूँ। जल्दी चलाओ, बीड़ी का बच्चा छोटा होगा। इडियट। ए यू, गाड़ी क्यों रोकी? बीड़ी चला रहा हूँ। जल्दी चलाओ, बीड़ी का बच्चा छोटा होगा। इडियट। मगर तुझे जाना कहाँ है? जाना? वो यार क्लब के मैनेजर है ना माँ, उनसे जाके कहना है कि कल से ड्यूटी पर आना है। देखो बेटा, ज्यादा रात ना करना। बस मैं समझो गया और आया। चल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आ चल में सजा लेना कलियां, सारे रास्ते साथ ही थे जी। कहाँ? गाड़ी की छत पर। लंदन नहीं गए? लंदन? मुना, वो हुआ ये कि मैं जाने वाला था। सोच लो कोई नया झूठ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे खफा हो, इसलिए कि मैं वो नहीं था जो मैंने कहा था, है ना? लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उससे कहीं ज्यादा शानदार आदमी हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता हूँ। किसको फिक्र है आप कौन है और आपकी असलियत क्या है? यू गो टू हेल। मोना, 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 डोंट यू फॉलो मी। नो नो, तुम शायद समझ रहे थे कि मेरी सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम चले गए, मैं तड़प रही थी, रो रही थी तुम्हारे लिए। गलत, बिल्कुल गलत। उस दिन जो कुछ मैंने किया वो बचपना था, वो बेवकूफी थी। मुझे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। सब बेकार, बिल्कुल बेकार। क्या बेकार है? आपके झूठ बोलने की कोशिश। बहुत नाज है अपनी सूरत पर। है तो सही। कभी आईने में शक्ल देखी है? एक बार देखी थी, आईना टूट गया। मोना, मोना, ये क्या है? सच्ची बात नहीं करोगी? नहीं। समझ लो कि तुम मेरी नहीं। नहीं, ये फैसला कभी बदलेगा भी नहीं। नहीं तो चलो मेरा कोट वापस करो, असली उनका है। नहीं मोना। ओ हेलो। आज मजा चखाऊंगा मिस्टर, हड्डी पतली तोड़ के रख दूंगा। बोलो क्या मतलब था उस बदतमीजी का? बोलो बोलो। ए, ठहरो, जाओ, माफ किया, आइंदा ऐसा नहीं करना। अरे ये क्या कर रही हो? मोहब्बत की आग ठंडी कर रही हो।
चलना नहीं है? नहीं। अयो, आखिर क्या परेशानी है लागी? वो समझता होगा कि मैंने उस पर पानी फेंका है, वो कभी नहीं आएगा। लड़कियों, क्या कुछ सुना? नहीं, वो अब कभी नहीं आएगा। अरे पगली, वो लंबू तो सुबह से ही नीचे टहल रहा है। अरे चली कहाँ, सारा खेल चौपट बुझा। ज़्यादा मीठा है मेरा। चलो भाई चलो, यहाँ तो बहुत पब्लिक जमा हो रही है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हेलो कार्टून। या ओ ओ सेमी यू फूल, सेमी फ्रॉम लंबू। चलो ना मोना खेलें। नहीं मेरा जी नहीं चाहता। तो फिर आपका जी क्या चाहता है? कहीं चले जहां वो मिल जाए। नहीं मेरा मतलब है कि ओके ओके चलो बारामूला चले। बारामूला टांगे में बैठ कर बड़ा मजा आएगा। और रेडी परवर बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आई न दिलदार का नजरा न प्यार का फिर वही दिल लाया हूँ बंदा परवर बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। ओहो ओहो
रोक से बचकर यार कहाँ जाओगे। मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे। पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे। रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ। बंदा दिलदार का नजराना प्यार का फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। चंद शेर अर्ज करती हूँ, लेकिन डर यही है कहीं कोई साहब ये न समझ बैठे कि इशारा उनकी तरफ है। खैर, कोई कुछ समझे, जो कुछ कह रही हूं बात वो सच्ची है और मेरा हर एक को चैलेंज है कि हो सके तो जवाब दें। अर्ज करती हूं, अब के दिल वाले तो भवरे हैं, भटकने वाले वो हमी थे के मोहब्बत को निभाया हमने। वो जो कहते हैं के लो फिर वो ही दिल लाया हूँ, वो भी सुन ले के उन्हें प्यार सिखाया हमने। जनाब सदर, ये खूबसूरत शेर सुनकर मुझे भी चंद शेर याद आ गए हैं, इजाजत हो तो कहूं। इजाजत। जिनके होठों पे लहू दिल का लगाया हमने, मेरी आंखों में जरा डाल के आंखें तो कहो प्यार सीखा के तुम्हें प्यार सिखाया हमने। जुल्फ की छांव में चेहरे का उजाला चराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, ये तेरे गर्म से लब, ये
हमको के बनाया है इन्हीं दिल का करार, कैसे अंगारों को सीने से लगाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। अफसानों से रख दिया सर को जहां, फिर न उठाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। चराग तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। मेरी बेटी कैसी हो तुम? ठीक हूँ, लेकिन आप एकदम यहाँ कैसे आ गए? वो हुआ ये कि चाचा जी बताया आपको, मैं डांस के मुकाबले में जीत गई। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे मेरे बेटे का पता चल गया। आपके बेटे मोहन का? अब उसका नाम मोहन नहीं, रमेश है। मुझे बताया गया है कि मेरी पत्नी जमुना ने बचपन ही में उसका नाम बदल दिया था। तो आप मिले उनसे? कल सुबह जाएंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका पिता हूँ। ये सब बाद में बताऊंगा, और तुम भी वादा करो कि कभी उसे या किसी और को तुम असलियत नहीं बताओगे। मैं वादा करती हूँ। शाबाश। अच्छा बेटी, तुम तुम्हारी सहेलियाँ और दीपू सब मेरे साथ चलो, मैंने एक बंगला ले लिया है, सब मिलकर रहेंगे। अच्छा चलिए। आइए आइए। रमेश, 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 रमेश बेटा दरवाजा खोलो। रमेश दरवाजा खोलो बेटा, रमेश दरवाजा खोलो बेटा, रमेश। जानते हैं इसके गले में जो लॉकेट है वो इसके बचपने का है। अच्छा, रमेश दरवाजा खोलो बेटा। रमेश ये क्या कर रहे हो बेटा? जाओ जाओ। ये क्या हो गया है? रमेश ये क्या कर रहे हो बेटा? ये पागल हो गया, कहीं कुछ करना बैठे।
कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, अपनी इन हरकतों से बड़ा सुख पहुंचा रहे अपनी माँ की आत्मा को। 24 घंटे उनकी आंखें आपको देख रही हैं, आपकी एक एक बात को, आपके एक एक काम को। यही तरीका है उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने का। किसके माता पिता रहते हैं जन्म भर, सभी को ये दुख सहना पड़ता है। देखिए मेरी तरफ देखिए, मेरे भी माता पिता नहीं है। मुझे एक ऐसे इंसान ने पाला है जिसे मेरा कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज वो मुझे अपने माता पिता से ज्यादा प्यारा है। मैं उन्हें चाचा जी कहती हूँ, मिलेंगे आप उनसे? वो आपका गम बिल्कुल दूर कर देंगे। खैरी मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। कहाँ है आपके कपड़े? मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा ख्याल है चाचा जी, अभी आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। आप दोनों घर जाइए, मैं भी उनको लेकर आती हूँ। गुड आइडिया, जरा उसके दिमाग को और संभलने दीजिए। आइए हम घर चले, आइए। यही है मेरे चाचा। आओ बेटा। रमेश बाबू हाथ मिलाइए। दैट्स गुड। आओ बेटा अंदर चले, बातें करेंगे। चलिए। मोना कौन है ये? मेरे चाचा जी के बहुत प्यारे दोस्त के बेटे हैं। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। लिसन, who's this cartoon? Shut up! मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, वो यहाँ आए हुए हैं। अच्छा? वो ही नहीं बल्कि उनका सारा कुंबा, उनकी गोद ली हुई बेटी मोना किसी नौजवान को अपने साथ मोटर में लाई थी। ओ, दीपू? दीपू नहीं था, वो तो कोई और खूबसूरत सा लड़का था। बेटा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, अगर उन्हें पता चल गया तो। कुछ नहीं होगा माँ, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्या होगा। खूबसूरत लड़का, और जब आपकी पत्नी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो मुश्किल से आंखें खोली और रमेश को देखा, और किसी मैगजीन से कटी हुई एक तस्वीर उसको दी और उससे कहा कि तुम इसे नहीं जानते, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है, मेरे बाद दिल्ली जाना, और वो फिर कुछ न कह सकी। जानते हैं आप वो तस्वीर किसकी थी? आपकी बेटी मोना की। आप सच कह रहे हैं? जी, फिर तो जमुना की तमन्ना जरूर पूरी होगी, जरूर। कहते जी आज तो घूम घूम के थक गए। अच्छा बैठो बेटा, बैठो। बेटा मुझे अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि तुम्हारी माँ की तमन्ना थी कि बस्ती में एक अच्छा अनाथालय खुलवा दिया जाए। मैंने आज ही दिल्ली से 10 लाख रुपया ट्रांसफर कराया है, उसके आते ही तुम एक शानदार अनाथालय खुलवा सकते हो अपनी माता के नाम। आप हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ। कमाल हो गया कर्नल साहब, कमाल हो गया। आज महीनों बाद बात की है इसने, पता है आपको? भगवान का रंग है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ ठहरिए, मैं आपको गाड़ी तक पहुँचा दूँ। मोना बेटी आप कहाँ चले? आप घर नहीं जा सकते जब तक आप ठीक न हो जाए। बैठिए बैठिए बैठिए। मैं भी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ।
लिसन, तुम कहाँ गए थे? शट अप। मोना को कहाँ ले गए थे? आई विल टेक रिवेंज टुनाइट, एवरी नाइट, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। मोना, मोना, बेट मोना। मुझे तो ऐसा लगता है कि कर्नल साहब मोना की शाह। मोहन, फरमाइए। सुबह सुबह बंधन के कहाँ चले? वो सामने पहाड़ी देखती हो ना, उस पर आज बर्फ गिरी है। अच्छा? और आज इत्तेफाक से मेरी एक कॉलेज की बड़ी प्यारी सहेली मिल गई है, नाम है उसका चंचल रानी। बस उसी से आज जरा अपॉइंटमेंट है। मोना से नहीं मिलोगे? मोना से नहीं मिलोगे? आज टाइम नहीं है, फिर कभी। हाय, तो अब मेरी बच्ची को छोड़ के लंबू चंचल रानी से मिलने जा रहे हैं। अभी जाके खबर कर। दूर बहुत मत जाइए, लेके करार हमारा, ऐसा ना हो कोई लूट ले रहा हमें प्यार हमारा। साथ रहो या दूर, तुम हो साथ हमारे, नाजनी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हसी है किधर का इरादा तेरा, नाजनी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हसी है किधर का इरादा तेरा, आंख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा। हम दम मेरे खेल न जानो चाहत के करार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। Thank you.
सफल तू ही मेरा है लेकिन सनम साथ में है किसी अजनबी के कदम हम सफल तू ही मेरा है लेकिन सनम साथ में है किसी अजनबी के कदम मेरी उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं दिल की बेताबियों की कसम करार को जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को जनाब तुम्हारे साथ जो नौजवान दिल्ली आया था वो कहाँ रहता है जी वो पांचवें पुल के पार एक पहाड़ी है उसमें एक काटेज है वो वही रहता है कहिए क्या काम है अरे सुनो रमेश तो नहीं आया जी नहीं फौरन डॉक्टर सरोज मुखर्जी के यहाँ जाओ जाना कल कहाँ मिलोगी लेक पे अच्छा जाओ शायद ये भी पता था कि चेकबुक लेकर या नकद रुपया लेकर ओ मुझे तुम्हारी बेशर्मी पर ताज्जुब जरूर है लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं तुम्हारे खून का है सच मानिए करना साहब आपके और मेरे खून में कोई फर्क नहीं है अगर हालात दूसरे होते तो मैं इन शब्दों का जवाब दूसरी तरह देता लेकिन मैं जानता हूं तुम मोना पर काफी जादू कर चुके हो मुझे उस लड़की की नादानी की कीमत चुकाना है बोलो क्या चाहते हो कितना दे सकते हैं आप 10,000 20,000 25,000 50,000 बस इतना लालच न करो कि मेरा इरादा बदल जाए ये लो
सिगरेट मैंने बहुत जलाई है, लेकिन 50,000 रुपए के चेक से पहली मरतबा। मैं तुम्हें दावा देकर जा रहा हूँ कि कल से मोना तुम्हारे साय से बचेगी, तुम्हारे मुंह पर थूकेगी, वरना ना वो रहेगी ना मैं और ना तुम। मोहन, ये सब क्या हो रहा है? मोना से तेरा क्या वास्ता है? अरे बोलता क्यों नहीं? सब कुछ तो सुन चुकी हो तुम। हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या? कुछ भी तो नहीं होगा माँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुझे मोना से प्यार है, वो तेरी जान की दुश्मन है। हे भगवान, मुझे सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भगवान? क्या हुआ? रमेश बाबू नदी में कूद पड़े थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें डूबने से बचाया है, डॉक्टर उनके पास है। और कपड़े बदल डालो, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक अकेले कोई डिस्टर्ब न करे। उसकी कैसी हालत है? आखिर ये हुआ कैसे? ये फिर होगा कर्नल साहब, ये फिर होगा, और इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी जिंदगी की कैद काटकर वो अपनी बदनसीब मां से जा मिलेगा। क्या जरूरत थी आपको उसकी जिंदगी में आने की? लेकिन नहीं, वो तो पैदा हुआ था बाप की बेदर्दी सहने को, वो पैदा हुआ था मुफलिसी में एड़ियां रगड़ने को, वो पैदा हुआ था भरी जवानी में अपनी खुशियों का जनाजा अपने कांधों पर लिए इस दुनिया छूट जाने को। अपनी मां की मौत के बाद उसे उम्मीद की एक ही किरण नजर आई थी, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन वो सहारा उसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी गोद ली हुई बेटी मोना किसी और से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ चुकी है। यकीन मानिए कर्नल साहब, आपके बेटे के लिए खुशियों के दरवाजे जन्मदिन से बंद हैं, और आज जिंदगी उसके लिए एक बोझ है, हर घड़ी एक भयानक सपना, हर सांस एक कयामत। राहत की अगर कोई सूरत है तो सिर्फ एक, अगर आपकी रगों में बाप के खून का एक भी कतरा है तो आज रात अपने हाथों से अपने बेटे का गला घूट दीजिए, मौत उसकी निजात बन जाएगी।
he's all right now. You see, he wants to go out. मैं आपको बाहर ले जाऊंगी. आज से हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी. मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी. कभी नहीं. मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, फिर हम घूमने जाएंगे. ये बिना नहीं जा सकती, समझे? और तुम समझती हो कि तुम्हारा बेटा इतना गिरा पड़ा, इतना जलील है कि वो इस भीख को कबूल कर लेगा? कभी नहीं माँ, कभी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? तुझे यूं तड़पता देखती रहूं? एक काम करो माँ जी, कल सुबह मैं तुम दोनों को अपने गांव वाले मकान पर लेकर चलता हूँ। चंद महीने वहां रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों मोहन? हाँ कमल, हम यहां से जरूर चल जाएंगे, जरूर चल जाएंगे। कोई नहीं, क्या ख्याल है? कल सारा काम 3 घंटे में हो जाएगा, कल 10 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। लेकिन मुझे मोहना चाहिए। तुम जानते हो अल्लाह, तो तुम ना बेटे बनकर रह सकते हो और ना ही मोहना से शादी कर सकते हो। मुझे मोहना चाहिए। चमना जिंदा है, मोना और मोहन का आपस में प्यार है और ये राज नहीं छुपाया जा सकता।
अब फिर भेज दिया। मुझे मोना चाहिए। रुपया छुपाया जा सकता है, मोना नहीं। सीमा पार करने के बाद सारा रुपया आपकी जिम्मेदारी, और मोना मेरी। लेकिन तुम उसे लेकर जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ? जंगलों में, पहाड़ों पर। सारा जीवन? हाँ सारा जीवन। और तुम पागल हो गए हो? एक लड़की के लिए हुकूमतें उलट सकती हैं, सैकड़ों सर कट सकते हैं, मेरा सर क्या चीज? ये जवानी की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। चाहिए कल मैं मोना को लेकर आ जाऊंगा। चाहिए गुड मॉर्निंग। व्हाट गुड मॉर्निंग? मुझे आपसे कुछ बात करना है। यस आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू नाउ हियर। यस मेरी पोजीशन क्या है, जवाब दीजिए। पोजीशन? यस पोजीशन। पोजीशन? यस पोजीशन, POTON, पोटन। पोजीशन? व्हाट पोजीशन? माय पोजीशन। योर पोजीशन? यस माय पोजीशन। ओ योर पोजीशन। इसमें हंसने की क्या बात है, मैंने कोई जोक मारा है? देखो डीकू, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मोना तुम्हारे लायक नहीं। आई सी। मैं सच कह रहा हूं। आई सी। तुम्हें किसी अच्छी लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए। आई सी। मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा ताकि तुम अपनी शादी आसानी से कर सको, और मैं तुम्हें और भी रुपया दूंगा ताकि तुम अपना कारोबार भी कर सको। रिपीट? रिपीट? यस रिपीट, आर ई पी ए टे ई टे ई टे ई रिपीट। अच्छा तो मैंने रिपीट किया। कजिन, थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। यू नो वन थिंग, आई हैव नॉट टोल्ड यू, आई एम इन लव। लव? यस लव। लंदन में है मेरी महबूबा, नाम है मिस किलर। मिस किलर? यस मिस क्रिस्टीन किलर। अखबार नहीं पढ़ते आप? कैरी ऑन कैरी ऑन। लेकिन मेरी मुसीबत ये है, वो मेरी फैट मदर है ना, और मेरा फनी फादर, वो मेरी शादी करना चाहते हैं मोना के साथ, बट आई जस्ट हेट हर। यू? नो नो नो, आई डोंट हेट हर। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। अगर तुम इतने बड़े गधे ना होते। गधे? यू मीन डोंकी? एग्जैक्टली। तो मोना के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कीमत ना देता, लेकिन मुझे तुम्हारा गधापन पसंद है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट? यस कॉम्प्लीमेंट, सी ओ एम पी ए एन टे ई, कॉम्प्लीमेंट से। बट नो कॉम्प्लीमेंट, डोंट यू नो इंग्लिश? अच्छा तो इसी बात पर ये लो 1,00,000 रुपए का चेक। अरे लाख रुपए? अरे कर्नल साहब मैं तो पागल हो जाऊंगा। ओह यू आर अ डार्लिंग ऑफ अ बॉय, गिव मी अ किस, गिव मी अ किस, यू आर माय टेक्सस सर। अरे बाप रे। ओहो हेलो ब्रदर। हेलो सिस्टर। ओहो इट्स ऑल राइट, गो हेड गो हेड, आई एम गोइंग टू लेट देम टू माय मिस्टर किलर। जी सर। आओ बेटा, अनाथ हाला के लिए 10,00,000 रुपया मेरा दिल्ली से आ गया। अब तुम जब चाहो अपना काम शुरू कर। बेटा चिंता ना रहना, लेकिन इससे पहले मैं अपनी एक तमन्ना पूरी करना चाहता हूँ। आज पंडित को बुलाया है सगाई की शुभ घड़ी निकालने के लिए। आज सब तय हो जाएगा। जाओ बेटा बाहर घूमो। कमाला कह गया था कि वो 11 बजे तक आ जाएगा। जो तेरी है दिल में तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है संगत से क्या बात है उस परवाने की। आंखों से जो तेरी है दिल में तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ गाड़ी से मेरा गुलतरंग लाएंगे। सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना है। ये शर्म कहीं की? Thank you.
कोई सामान है माँ जी? नहीं बेटा। मोहन क्या कर रहा है? सुबह से बाहर चला गया था, अभी कपड़े बदल कर आता है। अरे ये गांव वाले मकान की चाबियां मेरे पास रहेंगी तो गुम हो जाएंगी, इसे आप अपने पास रख लीजिए। चलो आओ माँ जी। मोना की जिंदगी का फैसला 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, पुलिस को खबर करना बेकार होगा। अगर मोना की जिंदगी बचाना हो तो डल लेक के किनारे वाले सुकून के पास आ जाइए। सुकून पर लाल कपड़ा होगा और पानी में लाल मोटर बोट, बोट में बैठकर चार चिनार आ जाइए। मोना आपके हवाले कर दी जाएगी। मोना की जिंदगी की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपया। मैं जानता हूँ वो कौन है, मैं जानता हूँ। बाबूजी कुछ भी कीजिए, मोना को बचा लीजिए, मोना को। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं रुपया लेने बैंक जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे किसी और के घर जाना है। किसके? मोहन के। चाहते हो तो मोना को फौरन मेरे हवाले कर दो। जवाब दो, मोना कहाँ है? मोना को अब यहां ढूंढने आए हैं? हाँ, इसलिए कि यह धमकी का खत तुम्हारा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं। बताओ मोना कहाँ है, नहीं तो गोली मार दूंगा। बताओ, बताओ नहीं तो। रुक जाओ, अगर गोली ही चलाना है तो पहले मुझ पर चलाओ।
जिंदगी का हर सुख चैन मुझसे छीन चुके हो। एक यही है दौलत मेरी जिसके सहारे आज तक मैं जीती रही। लूट लो इसे भी आज, कर दो इसका खून अपने हाथों से, मगर इससे पहले ये बारूद मेरे सीने में भर दो। मार डालो मुझे, मार डालो, कि अब जीने की कोई तमन्ना नहीं। मैं जानता हूं मैंने बहुत अन्याय किया है, बहुत बड़ा पाप, और शायद इस पाप की कीमत आज मुझे अपनी जिंदगी से देनी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। के साथ जाना। अच्छा ठहरो, मैं भी आती हूँ। लाइए आपका बोझ हल्का कर दूं कर्नल साहब। शायद तुमने यह नहीं सोचा होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी का बोझ भी हल्का कर सकता है। बताओ मोना कहां है? जल्दी मोटरबोट स्टार्ट करो सुबोध, फौरन मोना को लेकर आओ। छोड़ दो, जल्दी करो। वो बदमाश मोना को लेकर भाग गए हैं। मेरी मोना को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। मां तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। अब्दुल्ला जल्दी से पुलिस को खबर कर दो।
रिवॉल्वर देना। No, no, no.